दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे नमः श्री, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो या टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो। यदि आप बैंकिंग का भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि IBPS क्लर्क और PO या SBI क्लर्क PO, देन ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। SSC के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो रीजनिंग का मैं दो वीडियो, जो कि एक एनालॉजी है और एक अल्फाबेटिकल सीरीज का है, तो बेसिकली ये रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने चैनल पांडे गुरुजी में रीजनिंग फॉर रेलवे एग्जामिनेशन में अपलोड कर दिया हूँ। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, और जो भी क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तो चलिए नमः श्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि नमः श्री देख रहे हैं कि हम लोग थर्ड पॉइंट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ डिटेल सिलेबस रेलवे द्वारा, उसमें नमः श्री जो थर्ड नंबर पर है। तो मैं एनलॉजी और अल्फाबेटिकली सीरीज दोनों अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, तो आप उस चैनल को, आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज से, किस टाइप का क्वेश्चन रेलवे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैं क्वेश्चन एक टाइप वाइज लिया हूँ कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक्स बताना चाहता हूँ कि आप नंबर सीरीज एक टाइम कंज्यूमिंग होता है, कि आपको कहीं सीरीज पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे लिया हूँ वो देखते हैं कि एक कोई भी सीरीज दिया है तो आप उसको कैसे सॉल्व करें। तो इस सीरीज में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ये मिसिंग टर्म क्या है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क पर टर्म क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको इस सीरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ बहुत ही इजीली आना चाहिए, जो आप इजीली मींस बहुत ही कम मिनट में, कुछ सेकंडों में आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर सकें, और डिवीजन, ये चार चीज़ आपको जितना फास्ट रहेगा उतना फास्ट आप कोई भी सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि वो सीरीज में आपको फाइंड आउट करना होता है कि कितने का गैप है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें क्या हुआ है कि 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क, 45, 66, 91। तो इसमें सबसे पहले आपको इस मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नंबर बढ़ रहा है उसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 1, 6 के बीच में कितना है, +5। इस 6 और 9, 15 के बीच में कितना है, +9। बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम आप यहाँ के स्किप करके देखते हैं, 45 और 66 के बीच में जो डिफरेंस है वो +21 है। तो 66 प्लस 91 का कि 66 और 20 86 और 5 91, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 25 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितने का बन, 5 और के बाद 4 हो रहा है, 21 के बाद क्या हो रहा है, 25 आ रहा है, तो +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ +9 और 4 कितना हुआ, 13 हो गया। यहाँ पे 13 प्लस 4 कितना हुआ, यहाँ पे 17 हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करके देखिए कि तो ये जो सीरीज जो बढ़ रहा है वो दोनों का डिफरेंस है। तो 15 और 13 में हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28। 15 प्लस 13 कितना होता है, 28। तो इसको वेरीफाई करने के लिए 28 और 17 क्या कितना होगा, तो 8 और 7 5 और 2 और 3 1 4, तो 28 17 भी क्या हो, 45 हो गया। तो इस सीरीज़ का जो कंप्लीट आंसर हो गया वो हो गया 21। तो इसे आपको कोई भी सीरीज़ को फाइंड आउट करना है, मैं आपको 5 to 6 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे कोई भी सीरीज को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है 0, 6, 24, 60, 120,
210। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज में क्या हो रहा है कि नंबर है वो सडनली इंक्रीज हो रहा है, मीन्स जो जो दोनों का जो डिफरेंस है वो काफ़ी इंक्रीज है, तुरंत इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आपको जब भी नंबर का सडनली इंक्रीज हो तो उस टाइप का क्वेश्चन को आप माइनस में फाइंड आउट करके नहीं देखें, उसमें कोई नंबर को स्क्वायर करके या क्यूब करके नंबर को आप फाइंड आउट करें, ताकि क्योंकि जब स्क्वायर होता है नंबर में तो जल्दी इंक्रीमेंट होता है, वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 20 का क्यू और 30 तक का स्क्वायर आपको रटना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन आप इजीली से सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग कोई सीरीज फाइंड आउट कैसे करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 6 क्या हो रहा है कि 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ। तो ये स्क्वायर में भी फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चल कर देखते हैं क्यू के अराउंड। तो 1 क्यू हो गया 1, 2 क्यू हो गया 8, 3 क्यू हो गया 27, 4 क्यू हो गया कितना 64। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यू के अराउंड में नंबर ए आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पे 1 क्यू लिखते हैं, 1 क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू। तो यहाँ पे 1 क्यू माइनस 1 की करते हैं तो कितना होता है 0, 2 क्यू माइनस 2 करते हैं तो क्या होता है 8 माइनस 2 6 हो गया, 3 क्यू माइनस 3 करते हैं क्या हो गया 24, वैसे 4 क्यू माइनस 4 कितना हुआ 60 हो गया, 5 क्यू माइनस 5 कितना हो गया 120, 6 क्यू माइनस 6 कितना हो गया 210। तो दोस्तों इस टाइप का सीरीज फाइंड आउट हो रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर होगा 7 क्यू माइनस 7, तो 7 क्यू का जो 7 × 7 क्यू उसका वैल्यू कितना होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 7 क्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है 343 माइनस 7 इक्वल टू कितना हुआ 336। तो इसका जो मिसिंग टर्म हुआ वो हुआ 336। तो कोई भी टर्म इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्यू का फाइंड आउट करके कोई भी नंबर उसके आसपास में दिखाता है। तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ग्रुप डी में आ सकता है, बट असिस्टेंट एएलपी और टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहेगा। तो इस टाइप का ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो मैं लिया था मैं ग्रुप डी के लिए बेसिकली। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली से सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं टाइप टू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसिंग टर्म में सब फाइंड आउट करना जो आता है ट्रेंगुलर पैटर्न सीरीज, मीन सीरीज क्या होता है कि ट्रेंगुलर पैटर्न पर आधारित होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पीओ या एसओ में पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप रेलवे की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एएलपी और टेक्नीशियन में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि इस ट्रेंगुलर पैटर्न सीरीज में पैटर्न जो होता है वो ट्रेंगुलर होता है, इस टाइप का होता है। यहाँ पे सीरीज होता है दोनों का मिसिंग, उसके बाद मिसिंग, उसके बाद मिसिंग। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम लोग लेके देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो जो 3 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 17 है, उसके बाद 20 और 63 के बीच में जो डिफरेंस है कितना होता है वो 43 होता है, और 63 और 144 के बीच में डिफरेंस क्या होता है 40 और 80 और 81। तो इसका डिफरेंस क्या होता है 81 होता है। 144 और 275 का डिफरेंस जो होता है वो 131 होता है। इसके बाद आपको डिफरेंस पता करने के बाद यहाँ पे कोई सीरीज फाइंड आउट नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कोई पैटर्न में फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो उसके बाद भी हम लोग इसका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 17 और 43 का जो डिफरेंस कितना होता है वो होता है 20
26, 43 और 2081 का डिफरेंस होता है 38, 81 और 131 का जो डिफरेंस होता है वो 50 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, 131 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। बट यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई सीरीज पकड़ में नहीं आ रहा है, मीन जब तक कोई सीरीज पकड़ में ना आए तब तक हम लोग उसको माइनस करते रहते हैं ताकि ट्रेंगुलर बन जाता है। 26, 30 का डिफरेंस कितना हो गया 12, और 38, 50 का भी डिफरेंस कितना हो गया 12। तो यहाँ पे दोस्तों एक पैटर्न निकल के आ गया यहाँ पे कि ये दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा। तो यहाँ पे 12 12 सेम नंबर आ गया, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 50 प्लस 12 को ऐड करना है, 50 प्लस 12 को ऐड करना है जो कि आता है 62। 62 आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको यहाँ पे 62 वैल्यू आए, उसके बाद 62 प्लस क्या करना है आपको 131 को ऐड करना है। तो 62 प्लस 131 क्या हो गया 193। 193 में आपको क्या करना है, इसका वैल्यू क्या आ गया 193 आ गया। तो 193 से क्या करना है आपको 275 को ऐड करना है। तो 193 प्लस 275 इक्वल टू कितना हुआ 468। तो दोस्तों आपको कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट रखना पड़ेगा ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने कर सकते हैं। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही फास्ट रखना पड़ेगा, तब आपको कोई भी सीरीज को बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम होती है और क्वेश्चन ज़्यादा होती है। तो वही बंदे को सक्सेस मिलता है जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है और कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी तो कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा। तो पार्ट टू में हम लोग देखें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट थ्री में देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिकली पार्ट थ्री है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट टर्म में AP बोलते हैं, जिसको हम लोग एक डिजिट के अकॉर्डिंग वो बढ़ते रहता है। तो बेसिकली AP का जो फॉर्म होता है वो ए फॉर्म होता है ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट डॉट। जो ए जो सीरीज में होता है उसको हम लोग बोलते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या हुआ डिफरेंस है। तो ए क्या हुआ फर्स्ट टर्म है और डी डिफरेंस। तो उसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है 10th टर्म पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे इस जो भी डिफरेंस है उसमें एडिशन करते 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 10th पर जाना है। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही हार्ड होता है। सपोज 10th के जगह आपको 100 दिया हुआ है, 1000 दिया है, तो आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कि जो nth टर्म होता है, nth टर्म जो आपको फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला होता है nth टर्म इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन हो गया nth टर्म, डी हो गया डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 357, 363 और 369 में इस फार्मूला बेस पे आपको ये फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैं यहाँ पे साफ साफ में फार्मूला लिख देता हूँ, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फार्मूला है, तो उस फार्मूले के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो जो भी टर्म इंक्रीमेंट हो रहा है 57, 63 के बीच में कितना है 6 है। तो यहाँ पे 63 और 69 के बीच में 6 है। तो क्या हो गया डी हो गया 6, ए हो गया 357। ए फार्मूला पे पुट कीजिए 357 प्लस 357 प्लस एन क्या हो गया 9, एन हो गया 10। तो 10 माइनस 1 9 इंटू डी क्या हुआ 6 इंटू 6।
तो 357 प्लस 54, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, फॉर्मूला ऐड जैसे करेंगे वैसे ही आपको 411 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला को रटना की बहुत ज़रूरी है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी सीरीज नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं। दूसरा जो सीरीज है वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं जीपी। तो ये सीरीज बेसिकली जो जो होता है वो फॉर्म में होता है ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए ए आर क्यू, तो इस फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज बोलते हैं, जिसमें आपको कॉमन रेटियो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और आर जो होता है वो कॉमन रेटियो होता है, कॉमन रेटियो। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए भी आपको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एनथ टर्म फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए इस सीरीज में रहेगा क्वेश्चन, तो ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और फार्मूला है ए आर एन माइनस वन। तो इस फार्मूले पे आप पुट कीजिए, और कोई भी जीपी का जो सीरीज हो उसको आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 714 और 28। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना है, ये है 7। कॉमन रेटियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू, यहाँ पे कितना हो, 2 इंटू 14 हो रहा है, 7 इंटू 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 का होल स्क्वायर, तो ए आर इजकल टू क्या हो गया, 2। तो फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए 7 इंटू 2 10 माइनस 1, 7 इंटू 2 इंटू 9, 7 इंटू 2 इंटू 9 का पावर कितना होता है आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसका जो पावर होता है वो 512 होता है। तो 7 इंटू 512 को आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो जो इसका कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 3584। तो दोस्तों ये रहा नंबर सीरीज के बेसिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप जीपी सीरीज के और एपी सीरीज के नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन पैटर्न को आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।